हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याश्ता मैम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, चलिए। इससे पिछली बार हम लोग क्या पढ़े थे, इससे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि भाई टाइप्स ऑफ डीएनए क्या होते हैं। ठीक है, चलिए। हम लोग जो है डीएनए का हर टाइप जो है उसका किसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये सब हम लोग पढ़े थे। ठीक है, हमें नहीं लगता है कि उसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको होगा। ठीक है, चलिए। अब आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, चलिए। तो अगर बात की जाए इस यूनिट का तो ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि आरएनए क्या है। ठीक है, आरएनए को हम आपको बहुत अच्छे से बताए हैं, उसके फंक्शंस को भी बताए हैं। ठीक है, तो आरएनए क्या होता है, आरएनए भी क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, चलो। तो आरएनए क्या है भाई, आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, चलिए। बहुत सारे वायरसेस में ये क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है। साथ ही में आरएनए क्या है, आरएनए अगर बात की जाए तो डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तब क्या है, एमआरएनए सिंथेसाइज होता है। ठीक है, ये भी हम लोग जान रहे थे जब हम लोग आरएनए पढ़े थे तब ना। ठीक है, और क्या होता है भाई, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए कैसे जो है प्रोटीन ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन के सिंथेसिस ट्रांसलेशन की प्रोसेस में हेल्पफुल होता है, ये भी हम लोग थोड़ा सा वहां पे पढ़े थे जब हम लोग फंक्शन ऑफ आरएनए पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए। तो आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग टाइप ऑफ आरएनए। ठीक है, चलिए। तो अगर बात की जाए टाइप ऑफ आरएनए की तो मेजर कितने टाइप होते हैं भाई, मेजर जो है थ्री टाइप होते हैं, और भी बहुत सारे आरएनए होते हैं जो कि होता है एचएनआरएनए, वो सब। ठीक है, तो वो सब जो है, वो जो है उस आरएनए को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये टाइप्स ऑफ आरएनए दो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, और हर जो इसके अंदर का जितने भी टाइप है वो क्या होता है, कैसे वो थोड़ा फंक्शन कर रहा है, ये सब जो है चीजें हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ आरएनए में उसके मेजर टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, जो कि है आपका एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, चलिए। तो पहला क्या हो गया भाई, पहला यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए को हम लोग क्या कहते हैं, टीआरएनए को हम लोग ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। ठीक है, चलो। तो टीआरएनए और ट्रांसफर आरएनए एक ही चीज है। ठीक है, दूसरा टाइप क्या है भाई, दूसरा टाइप है आपका आरआरएनए, जिसको आप कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, चलो। और तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप है आपका मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए। ठीक है, चलिए। तो अगर आप टाइप्स ऑफ आरएनए की बात कर रहे हैं तो उसमें जो मेजर टाइप होता है वो कौन कौन सा है, वो थ्री मेजर टाइप ऑफ आरएनए पाया जाता है। कौन कौन सा, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। ठीक है, सीक्वेंस किसी भी सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप पहले एमआरएनए लिख दिए या आरआरएनए लिख दिए तो गलत हो गया। ये टाइप है, किसी भी सीक्वेंस में आप लिख के उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद में हर पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज जो है जो तीनों मेजर आरएनए है उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एमआरएनए को, किसको डिस्कस करते हैं, एमआरएनए को। ठीक है, तो एमआरएनए को अगर आपको समझना है तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये एमआरएनए क्या होता है, एक आरएनए का टाइप होता है, और ये बनता कैसे है, इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। तो देखिए, जब हम लोग बात कर रहे थे आरएनए की तब हम लोग एमआरएनए के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे, क्या किए थे भाई, कि जब डीएनए है उसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है, तब ये जो है डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसके एक स्ट्रैंड से एक क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं एमआरएनए। ठीक है, समझे बात भाई, जो डीएनए है उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है, और सिंथेसाइज क्या होता है,
mRNA सिंथेसाइज होता है, ठीक है, चल तो यही बात है, ठीक है, चल तो इतनी चीज तो आप हमेशा mRNA के बारे में याद रखे रहिएगा कि ठीक है क्या है भाई mRNA। तो mRNA भाई ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है, और क्या हो रही है कि जो डबल स्टैंडर्ड आपका डीएनए है उससे एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, जिसको हम लोग mRNA कहते हैं, ठीक है। तो mRNA का सबसे पहले क्या है, फुल फॉर्म जान लेते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है mRNA, मतलब मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ठीक। चल अब क्या है इसका क्या होता है, अगर आप बात करें mRNA का, जब ये सिंथेसाइज होता है तो 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये mRNA है आपका बन गया, किसके वजह से भाई, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की वजह से। और अगर आप बात कर रहे हैं mRNA की, तो इसकी अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो ये 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है, ठीक है। चल ये डायरेक्शन हमेशा इसी तरह रहेगा, कभी भी 3 प्राइम से 5 प्राइम नहीं लिखिएगा, वो गलत होता है, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। चल अब इसका जो ये 5 प्राइम है ना, इस पे क्या होता है, इस पे आपका क्या होता है, जब कैपिंग की प्रोसेस होती है तब क्या होता है, यहाँ पे कैप जो है, ये जो है यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे क्या होता है, ये कैप्ड होता है किस चीज से, 7 मिथाइल गुआनोसिन से। किस चीज से, एक मिनट, यहाँ पे कैपिंग होती है, क्या होती है भाई, कैपिंग होती है, और ये जो कैपिंग है mRNA की जो कि 5 प्राइम पे हो रही है, वो किस चीज से होती है, 7 मिथाइल गुआनोसिन से। किससे, 7 मिथाइल गुआनोसिन से यहाँ पे क्या होता है, कैपिंग होता है, ठीक है। कैपिंग और टेलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, 5 प्राइम पे जो है कैपिंग होती है, उसमें क्या होता है, 7 मिथाइल गुआनोसिन आकर के 5 प्राइम पे आके यहाँ पे अटैच करता है, और इसको क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है 5 प्राइम एंड को, किसके, mRNA को, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, 3 प्राइम पे ट्रेलिंग होता है, जिसमें क्या होता है, एडिनिन, बहुत सारे एडिनोसिन आके अटैच हो जाता है, ठीक है। चल तो ये जो कैप है, कैप हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ऑफ mRNA, ये जो कैपिंग है ना, ये प्रोटेक्शन का तो काम करता ही है 5 प्राइम को, किसके 5 प्राइम को, mRNA को। साथ ही में क्या होता है, ये जो 5 प्राइम है ना, जहां पे क्या हो रहा है, कैपिंग की प्रोसेस हो रही है, जहां पे mRNA के पास 5 प्राइम पे 7 मिथाइल गुआनोसिन आ रहा है, और यहाँ पे जो है कैपिंग की प्रोसेस हो रही है। ये किस लिए हेल्पफुल होता है, ये हेल्पफुल होता है रिकॉग्निशन ऑफ mRNA के लिए, मतलब रिकॉग्निशन मतलब पहचानने के लिए कि भाई ये जो mRNA है उसका जो है, अगर आपको उसको पहचानना है तो क्या होता है, आपको नहीं, मतलब जो एंजाइम्स हैं उसको अगर पहचानना हो, mRNA को रिकॉग्नाइज करना हो, तो क्या होता है, ये कैपिंग के वजह से ही क्या होते हैं, mRNA रिकॉग्नाइज हो पाते हैं, ठीक है। चल प्रिवेंट्स अटैक बाय 5 एक्सोन्यूक्लिएसेस, 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएसेस जो है ना, वो क्या करते हैं, एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि यहाँ पे अटैक करते हैं, इसी से बचाने के लिए, इसी से प्रिवेंट करने के लिए, मतलब बचाने के लिए, यहाँ पे 5 प्राइम पे क्या होता है, 5 प्राइम पे कैपिंग की प्रोसेस की जाती है, ठीक है। चलिए तो अगर आप बात कहें कि भाई जो 5 प्राइम और 3 प्राइम की बात हो रही है, तो जो mRNA होता है उसमें 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक, सॉरी जो 5 प्राइम है वहाँ पे कैपिंग की प्रोसेस और 3 प्राइम पर टेलिंग की प्रोसेस होती है। ये दोनों क्यों होता है, ताकि जो mRNA बना है वो क्या हो सके, प्रोटेक्टेड हो सके, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग क्या डिस्कस किए, अभी हम लोग डिस्कस किए कि भाई जो 5 प्राइम है ना, वहां पे 7 मिथाइल गुआनोसिन आया है, वो क्या किया है, कैपिंग की प्रोसेस किया है, और ये कैपिंग किस लिए हेल्पफुल होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिएस, क्या है भाई, 5 प्राइम
एक्सोन्यूक्लिएस, ये क्या करता है, ये क्या होता है, हार्मफुल होता है फाइव प्राइम के लिए, जिसके वजह से इसको बचाने के लिए फाइव प्राइम पर एक्सोन्यूक्लिएसिस से बचाने के लिए यहाँ पे कैपिंग होती है। ठीक है, इसका आप नाम ही देख लीजिए, एक्सोन्यूक्लिएसिस। न्यूक्लिएसिस क्या होते हैं, न्यूक्लिएसिस एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेडेट मतलब कट करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, एक ऐसा एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड को कट करता है। और आरएनए क्या है, आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड ही है ना, और क्या है एक्सो, एक्सो मतलब न्यूक्लिएसिस दो तरह का होता है, एक एक्सो होता है एक इंडो होता है। क्या क्या होता है भाई, देखिए न्यूक्लिएसिस जो है वो जो है दो तरह का होता है, एक एक्सो होता है और एक इंडो होता है। तो जो एक्सोन्यूक्लिएसिस होता है वो हमेशा न्यूक्लिक एसिड के एंड पॉइंट पे ही कट करता है। ठीक है, और जो एंडोन्यूक्लिएसिस है वो क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड के बीच में कट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सोन्यूक्लिएसिस आता है और क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे जो है आपका फाइव प्राइम को खतरा होता है, क्योंकि ये क्या है, एक्सोन्यूक्लिएस है मतलब न्यूक्लिक एसिड के एंड को काटने वाला है। और कौन सा एक्सोन्यूक्लियस है, फाइव प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, मतलब ये जो है आपका एमआरएनए उसका जो फाइव प्राइम है वहां पे क्या कर सकता है, ये कट कर सकता है, उसके लिए जो है ये हार्मफुल है, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे कैपिंग की प्रोसेस होती है, ताकि आपका जो एमआरएनए सिंथेसाइज हुआ है वो क्या हो, वो जो है प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, चलो, तो ये बात हमें लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी कि भाई कैसे हो रहा है। ठीक है, रेस क्यों नहीं हो रहा है, चलिए, यहाँ पे क्या है कि भाई कैपिंग की प्रोसेस हो गई है, जिसमें क्या है फाइव प्राइम पे कैपिंग की प्रोसेस हुई है, ताकि ये जो फाइव प्राइम एक्सोन्यूक्लियस है वो क्या करे, वो उसको उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। ठीक है, चलिए, अब थ्री प्राइम पे क्या होता है, थ्री प्राइम को ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे, उसके साथ भी तो कुछ ना कुछ ऐसा के काम किया जाएगा कि भाई वो भी प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, चलिए, तो थ्री प्राइम पे क्या होता है, पॉली ए टेल आता है, मतलब बहुत सारे जो हैं यहाँ पे आपका जो थ्री प्राइम है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है बहुत सारे पॉली ए टेल यहाँ पे बनता है, मतलब बहुत सारे जो एडिनिन है ना वो यहाँ पे आके थ्री प्राइम्स पे आके अटैच्ड हो जाते हैं और क्या करते हैं, एक लॉन्ग टेल की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पॉली ए टेल कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को टेलिंग कहलाता है। ठीक है, यही प्रोसेस जो है टेलिंग कहलाता है। ठीक है, तो भाई जो आपका एमआरएनए सिंथेसिस हुआ है उसको प्रोटेक्ट करे रखने के लिए क्या होता है, कैपिंग और टेलिंग की प्रोसेस होती है, जिसमें अभी हम लोग पढ़े कि कैपिंग में क्या होता है, 7-methylguanosine आता है और वो क्या करता है, कैपिंग की प्रोसेस कराता है, ताकि क्या हो सके भाई, ताकि एक तो काम ये हो सके कि रिकॉग्नाइज हो सके एमआरएनए, उसका जो है उसका एक डिफरेंशिएशन बना रहे कि यही है एमआरएनए, और साथ ही साथ में क्या है, फाइव प्राइम एक्सोन्यूक्लिएसिस से इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। और टेलिंग क्यों कराई जाती है, टेलिंग जो है टेलिंग भी प्रोटेक्शन के लिए कराई जाती है, और क्या होता है, टेलिंग जो है थ्री प्राइम पे कराई जाती है, जहाँ पे बहुत सारे जो हैं ए मतलब एडिनोसिन जो आपका है, सॉरी एडिनोसिन जो है वो आकर के बहुत सारे जो हैं आकर अटैच हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या बनता है, एक पॉली ए टेल बनता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो पॉली ए टेल है इसी को जो ये सिंथेसिस होता है इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को टेलिंग कहलाता है। ठीक है, यही प्रोसेस आपका टेलिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए, अब ये जो टेल है ना ये प्रिवेंट करता है अटैक बाय थ्री प्राइम एक्सोन्यूक्लिएस, ये जो कैपिंग था ये किससे बचा रहा था, फाइव प्राइम एक्सोन्यूक्लिएस से। ठीक है, तो टेलिंग किससे बचाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, थ्री प्राइम एक्सोन्यूक्लिएस से।
एंजाइम से बचाने के लिए ना ये सब हो रहा है कि ताकि ये जो है कोई एंजाइम ऐसा ना आए और इसको कट ना कर दे। तो इस वजह से क्या होता है, 3' exonucleases एक ऐसा एंजाइम जो कि mRNA के 3' end के वहाँ पे 3' जो है ना वहाँ पे उसके एंड पे कट कर सकता है। इस वजह से इस 3' exonucleases से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, एक जो है कैपिंग की फॉली टेलिंग की प्रोसेस जो है वो होता है। ठीक है, चल तो क्या हुआ भाई, दो चीज हम लोग समझ गए हैं कि जो mRNA है उसमें कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है एंजाइम से बचाने के लिए, एक हो रहा है कैपिंग और एक हो रहा है टेलिंग। कैपिंग क्यों हो रहा है, कैपिंग इसलिए हो रहा है ताकि 5' exonucleases आकर के इस पे जो है अटैक ना कर दे, यहाँ पे कट ना कर दे। ठीक है, और टेलिंग क्या हो रहा है, तो टेलिंग में हो रहा है ये कि भाई 3' पे पॉली ए टेल सिंथेसाइज हो रही है। और ये क्यों कराया जाता है, ये इसलिए कराया जाता है ताकि जो है आपका 3' का exonucleases यहाँ पे अटैक ना कर पाए, यहाँ पे कट ना कर पाए। ठीक है, चल तो ये बात समझ में आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है समझ में आ गई। तो अब क्या है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये क्या है, ये जो mRNA बना है ना अब इसका क्या यूज होता है। ठीक है, चल तो mRNA जो है वो सर्व करता है एज टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो mRNA है वो क्या होता है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू, कौन से प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है, ये टेम्पलेट की तरह वर्क करता है और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, चल तो क्या है भाई, ये जो आपका अभी तक जो mRNA बना किसकी वजह से, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से, वो जो होता है किस लिए हेल्पफुल होता है, ये एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, चल अगर आप इसको समझे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई DNA से क्या हुआ, mRNA बना और mRNA से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, चल तो जो DNA से mRNA बना इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, और जो mRNA से प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, चल तो दो बात समझ में आ गई हम लोग को कि भाई ये जो कैपिंग और आपका कैपिंग और जो टेलिंग है ये कैसे हो रहा है, कैपिंग और जो टेलिंग है वो जो है, एक मिनट, कैपिंग और जो टेलिंग है वो किसके हेल्प से हो रहा है, कैपिंग और जो टेलिंग है वो हो रहा है आपका किसकी वजह से, वो हो रहा है कैपिंग जो है 7-methylguanosine की वजह से हो रहा है और टेलिंग क्या हो रहा है, एडेनोसिन की वजह से हो रहा है जिसमें पॉली ए टेल जो है 3' पे आकर अटैच हो जाती है, वहाँ पे वो बन जाती है। और ये दोनों किस लिए बनता है, ये दोनों इसलिए बनता है ताकि भाई इसके जो अपने अपने exonucleases है ना उनसे इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और mRNA कैसे बन रहा है, DNA से बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू। और ये mRNA क्या होता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, प्रोटीन के लिए एक टेम्पलेट की तरह वो करता है। ठीक है, चल तो इतना बात हमें लगता है क्लियर हो गया होगा, पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चल अब ये जो है टिपिकल mRNA के एक बार स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं कि भाई जो mRNA है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, चल तो 5' और 3' इसका पहले हम बता दिए थे कि भाई 5' और 3' डायरेक्शन में mRNA सिंथेसाइज होता है। ठीक है, चल अब ये जो 5' है क्या है, यहाँ पे कैपिंग के थ्रू कैप यहाँ पे हो गया है। ठीक है, बन गया है। ठीक है, चल और पॉली ए टेल जो है किस प्रोसेस से बना है, पॉली ए टेल टेलिंग के प्रोसेस से 3' पे बन गया है। ठीक, चल अब क्या होता है, 5' पे जो है ना कैप के बाद अनट्रांसलेटेड रीजन UTR, अनट्रांसलेशन रीजन UTR प्रेजेंट होता है
यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हो सकती है mRNA के। उसके बाद जो है यहाँ से जो है इसका जो कोडिंग सीक्वेंस है, यहाँ से जो है क्या होता है, आप इस mRNA के पोर्शन से प्रोटीन के सिंथेसिस करा सकते हैं, ठीक है। चलिए, और फिर 3' पे भी क्या होता है, UTR प्रेजेंट होता है, मतलब एक ऐसा रीजन जहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती। और क्या हो गया यहाँ पे, तो 3' है ही, poly-A-tail यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। चलो, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर आपको mRNA का स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले 5' और 3' बना लीजिए। 5' पे क्या दिखा दीजिए, कैप दिखा दीजिए, कैपिंग के थ्रू कैप बन गया, ठीक है। अब उसके बाद कैप के बाद थोड़ा सा रीजन किस चीज का होगा, UTR का, अनट्रांसलेटेड रीजन का, ठीक है, जहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद एक कोडिंग रीजन होगा जो कि लंबा चौड़ा होगा, मतलब बड़ा सा एरिया होगा जहाँ पे आप ट्रांसलेशन करा सकते हैं, ठीक है, उससे प्रोटीन की सिंथेसिस हो सकती है। उसके बाद फिर एक एरिया आएगा UTR का फिर से, और 3' पे क्या होगा, poly-A-tail प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलो, तो ये डायग्राम भी आप बना लीजिए। अब हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये क्या होते हैं, ये जो है mRNA उनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो mRNA का तो अभी तक हम लोग उसके बारे में जो बेसिक था वो हम लोग पढ़े हैं कि भाई mRNA जो है, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए mRNA को, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। अब इसके बारे में और भी चीजें जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर mRNA की बात की जाए तो इट कंस्टिट्यूट अबाउट 5% to 10% ऑफ द टोटल सेलुलर RNA। कहने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर आपका सेल जो है ना, सेल की बात की जाए तो जिस सेल्स में RNA की जो mRNA की जो परसेंटेज है वो कितनी होती है, 5% to 10% तक mRNA जो है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई कि भाई अगर mRNA की परसेंटेज की बात की जाए, क्या होता है, 5% to 10% mRNA प्रेजेंट होता है एक सेल के अंदर, ठीक है। चल, इट इज मोस्ट हेट्रोजीनियस इन साइज एंड बेस सीक्वेंस। ये जो है वैरी करता है साइज में और बेस सीक्वेंस में, ठीक है। हेट्रोजीनियस मतलब होता है ऐसा चीज जो कि वैरी करता हो, ठीक है। चल, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जैसे DNA होंगे वैसे वो mRNA सिंथेसिस होंगे, ठीक है, और mRNA की साइज जो है वो वैरी कर सकती है, ठीक है, उसके बेस जो है, बेस जो सीक्वेंस है वो वैरी हो सकते हैं। मतलब ये है कि हर mRNA जो है ना, उसकी अगर आप साइज की बात करें तो वो सेम नहीं होता है, वो वैरी करता है, ठीक है। इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड बेस फॉर बेस कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ वन ऑफ द DNA स्ट्रैंड ऑफ अ जीन। ये क्या लिखा है, ये भाई लिखा है कि भाई अगर आप बात कर रहे हैं mRNA की तो ये कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। साथ ही में ये क्या होता है, ये कैसे बना होता है, DNA सिंथेसाइज हुआ होता है, DNA के एक स्ट्रैंड से mRNA जो है सिंथेसाइज होता है, ठीक है। ये बात तो हम आपको पहले ही बताए थे, क्या होता है भाई, देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए, ये DNA के दो स्ट्रैंड है, ठीक है। चलिए, अब किसी एक स्ट्रैंड से क्या होगा, एक स्ट्रैंड से जो है mRNA सिंथेसाइज होता है, ठीक है, mRNA सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, mRNA की अगर बात की जाए तो mRNA जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और DNA का जो डबल स्टैंडर्ड है ना, उसके एक स्ट्रैंड के कम्प्लीमेंट्री जो है इसका बेस सीक्वेंस होता है, ठीक है। एक स्ट्रैंड से जो है DNA का दो स्ट्रैंड है, उसमें से एक स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट की तरह वर्क करता है, और इसी टेम्पलेट की कम्प्लीमेंट्री जो है ये mRNA सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं कि DNA का जो एक स्ट्रैंड है और जो mRNA है, ये दोनों जो होते हैं क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री होते हैं इनके बेस पेयर्स, ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। चलो, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियर DNA टू साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज ऑल्सो नोन एज टेम्पलेट RNA। ये क्या करता है,
ये अगर आप बात की जाए, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए हम समझाते हैं। अगर आप बात की जा रही है कि भाई mRNA कहाँ पे सिंथेसाइज हुआ, तो देखिए सेल है ये, ठीक है, चल छोटा बन गया, समझाने के लिए थोड़ा बड़ा तो चाहिए ना। कहाँ बनाए, स्पेस का थोड़ा सा दिक्कत, यहाँ पे बनाते हैं दिख जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये आपका हो गया सेल, और ये क्या हो गया भाई, उस सेल का न्यूक्लियस, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ रहा है ताकि आप समझ सके, ठीक है। चल यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डीएनए है, और इस डीएनए से क्या बना, इसके एक स्ट्रैंड से बन गया आपका एमआरएनए, ठीक है। चल ये एमआरएनए जब बन गया, तो ये जो होता है क्या होता है, ये एमआरएनए जो है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है, कहाँ पे आता है, साइटोप्लाज्म में आता है, ठीक है। चलिए तो क्या हुआ भाई, न्यूक्लियस के अंदर तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई, जिसमें क्या है डीएनए से जो है कॉपी करके क्या हुआ, आरएनए मतलब एमआरएनए बन गया, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। फर्दर लेकिन जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उसमें क्या होता है, ये एमआरएनए क्या है जो कि न्यूक्लियस के अंदर बना होता है, ये ट्रैवल करके कहाँ पे आ जाता है, ये आ जाता है आपके साइटोप्लाज्म में, और इसी साइटोप्लाज्म में क्या होता है एमआरएनए जो है ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है। मतलब बात समझ में आई, देखिए जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस था, जिसमें क्या हो रहा था डीएनए से एमआरएनए बन रहा था, वो जो प्रोसेस है आपका न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था, ठीक है। चलिए लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस तो न्यूक्लियस के अंदर हो गई, लेकिन अगर बात की जाए ट्रांसलेशन की प्रोसेस की, तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस जो है आपका एमआरएनए पहले साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन जो है बनता है, ठीक है। चलिए तो ये बात समझ में आई कि क्या हो रहा है, कि भाई ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है न्यूक्लियस में हो रही है, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये जो एमआरएनए है किससे बना है, डीएनए से बना है, तो ये क्या कर रहा है, ये जो है इंफॉर्मेशन जो कि जीन्स जो है जो कि डीएनए के पास थे, वहां से लेकर के कहां तक ले आया, साइटोप्लाज्म तक ले आया, ठीक है। और फर्दर क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन की सिंथेसिस करा दे रहा है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। चल अब एक एक लाइन को अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि भाई कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चल इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए, वो डीएनए जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डीएनए न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसी को ना न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। तो ये चीज क्या लिखी हुई है कि भाई ये क्या होता है, सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियर डीएनए से। तो इन शॉर्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो है न्यूक्लियर डीएनए से लाता है, कहाँ पे लाता है, साइटोप्लाज्म में फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ले आ रहा है किसके लिए, ताकि इसका जो है प्रोटीन सिंथेसिस हो सके, ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी है। इट इज ऑल्सो नोन एज टेम्पलेट आरएनए, ये जो है ना ये एमआरएनए, इसको आप टेम्पलेट आरएनए भी कह सकते हैं, ये जो है एमआरएनए टेम्पलेट एमआरएनए भी कहलाता है। क्यों ऐसा कहलाता है भाई, क्योंकि ये जो है टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहा है ना, ये एमआरएनए जो है ये टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहा है ना, ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके, क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो क्या हुआ, ये टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहा है ना, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इस वजह से क्या होता है, ये जो है आपका टेम्पलेट आरएनए कहलाता है, ठीक है। तो एमआरएनए जो है वो टेम्पलेट आरएनए कहलाता है, क्यों भाई, क्योंकि ये टेम्पलेट की तरह वर्क करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। चलो तो ये चीज समझ में आ गई। चलिए
द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एवरेज मॉलिक्यूल ऑफ mRNA इज 5 lakh and its sedimentation coefficient is 8s. ठीक है भाई, देखिए क्या बात हो रही है कि ये जो है आपका इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 5 lakh होता है. ठीक है, चलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि यहाँ पे कहीं एक जीरो कम तो नहीं है, इसलिए देखना पड़ रहा है. ठीक है, चलिए तो जो है वो जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है, वो मॉलिक्यूलर वेट जो है आपका mRNA का, अगर आप एक mRNA को ले रहे हैं उसका एवरेज वेट देखिएगा तो वो कितना होता है, 5 lakh के लमसम होता है. साथ ही में अगर आप इसका सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट देखें तो 8s जो है इसका सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट होता है. ठीक है, तो जो जो RNA है उसका जो फर्स्ट टाइप है mRNA, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लिए. आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी. आप पॉज करके हर चीज को नोट डाउन पहले कर लीजिए. ठीक है, चलिए हो गया. अब जो है अब हम लोग सेकेंड टाइप जो है RNA का उसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो सेकेंड टाइप है वो कौन सा है. वो है आपका RRNA, मतलब क्या हुआ, राइबोसोमल RNA. RRNA को राइबोसोमल RNA ही कहते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पे लिखे है कि सेकेंड टाइप क्या है, RRNA मतलब राइबोसोमल RNA. ठीक है, इन न्यूक्लियोलस RRNA इज सिंथेसाइज. कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, तो जो न्यूक्लियोलस है वहां पे जो है RRNA सिंथेसाइज होता है. अब ये न्यूक्लियोलस क्या है भाई, न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेसिफिक पोजीशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, वहां पे क्या होता है, RRNA जो है सिंथेसाइज होता है. ठीक है, चलिए फाउंड इन साइटोप्लाज्म. और क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में. ठीक है, कहाँ पे बन रहा है, बन रहा है आपका न्यूक्लियोलस में. और कहाँ पे पाया जा रहा है, ये जो है साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है. ठीक है, चलिए न्यूक्लियोलस किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. ठीक है, चलिए तो वहां पे बन के फिर क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है, जिसके वजह से कहाँ पे आपको प्रेजेंट दिखेगा, ये जो है आपको साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट दिखेगा. ठीक है, चलिए ये जो है अगर आप बात करें कि RRNA जो है किस लिए हेल्पफुल होता है, तो जब हम आपको पढ़ा रहे थे फंक्शन ऑफ RNA उसमें बताए थे कि RRNA जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है. ठीक है, चलिए और क्या होता है अगर आप बात करें इसकी फंक्शन की, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो है ना इसके अंदर होती है. ठीक है, चलिए जो राइबोसाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर जो है RRNA प्रेजेंट होता है. मतलब आप ऐसे समझिए कि RRNA जो है वो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसाइम कहते हैं. ठीक है, चलिए तो जो RNA हम लोग जब पढ़ रहे थे तब हम लोग कहे थे कि क्या है, RNA कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है. तो कौन सा RNA, तो RRNA जो है वो क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है. और इसी RRNA को जो कि हम लोग क्या कहते हैं कि जो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, फंक्शन करता है, उसी को हम लोग राइबोसाइम कहते हैं. ठीक है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा, राइबो मतलब क्या है, RNA से बना हुआ है. ठीक है, कौन सा RNA, RRNA. और जाइम मतलब एक ऐसा चाइम, जाइम का अगर आप देखें तो जाइम मतलब होता है, जाइम किस चीज से मिलकर बना हुआ है, एंजाइम से मिलकर बना हुआ है. मतलब एक ऐसा RNA जो कि एंजाइम की तरह वर्क करता है, मतलब कि इसके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी है. ठीक है, चलो तो ये चीज समझ में आ गया. चलिए अब क्या है, अब अगर आप बात करें कि प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, ठीक है, RRNA की बात की जाए, तो भाई अगर आप देखें कि जो mRNA है, ठीक है, लेकिन उसके पास क्या होता है, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, तब
क्या होता है, राइबोसोम्स जो है वो आते हैं, और ये जो राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उनके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, और ये हेल्पफुल होता है किस चीज के लिए, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ये जो आरएनए है ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, मतलब ये जो है एक ऐसा मशीनरी है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल होता है आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, चल एक भी लेक्चर आप स्किप मत करिएगा, सारे लेक्चर्स को क्या है, सीक्वेंस वाइज देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए और उसको याद करिए, ताकि क्या होगा, अगर आप ऐसे करेंगे ना तो सारे जितने भी लेक्चर्स हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आप सारे लेक्चर्स को पढ़े रहेंगे, उसको अच्छे से समझे रहेंगे, तो आपको कोई भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ डेली जो है लेक्चर अच्छे से पढ़ा करके उसका नोट्स बनाइए और उसको याद करना शुरू कर दीजिए अभी से ही। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक, चलिए, तो क्या हो गया भाई, आरआरएनए को हम लोग पढ़ रहे हैं। आरआरएनए क्या होता है, आरआरएनए एक टाइप है आरएनए का, और ये क्या करता है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, चल अगर बात की जाए मेमेलियन राइबोसोम्स की, तो ये कितने कितने टाइप के होते हैं भाई, 80S और 60S। ठीक है, ये जो है, सॉरी, 80S जो होता है, और 80S में क्या होता है, अगर बात की जाए राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स क्या होता है, 70S प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में क्या होता है, 80S पाया जाता है ना, और ये जो राइबोसोम्स हैं यही इसी के अंदर प्रेजेंट है ना आपका आरआरएनए। ठीक है, तो अगर आप आरआरएनए की बात करें, तो जो अगर आप बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में कैसे पाए जाते हैं, ये 80S यूनिट पाया जाता है। ठीक है, 80S यूनिट जो है कितने में डिवाइडेड है भाई, इसके दो पार्ट होते हैं, 60S और 40S। ठीक है, चलो अगर 60X की बात की जाए, तो ये क्या होता है, इसके अंदर 23S, 5.S, 5S RNA होता है, और साथ ही में 40 proteins present होते हैं। ठीक है, और अगर आप 40S की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर 18S RNA और 30 proteins present होते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग इसमें क्या पढ़े, इसमें अगर नहीं समझ में आया तो अभी बता देते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैमेलियन राइबोसोम को। राइबोसोम को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आरआरएनए है ना, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स में आरआरएनए ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो अगर प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स की, तो उसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है ना, और यूकैरियोट्स में कैसा पाया जाता है भाई, यूकैरियोट्स में जो है 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो अभी यहाँ पे कौन सा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मेमेलियन राइबोसोम ना, मेमेलियन मतलब ये कैसे हो गए, प्रोकैरियोट तो होंगे नहीं, यूकैरियोट होंगे ना, किसी को प्रोकैरियोट तो नहीं लग रहा, चलिए नहीं लगेगा भाई, मेमेलियन जो राइबोसोम है वो कैसा है, यूकैरियोट है ना, मैमल्स हम लोग जो है वो यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो जो मैमिलियन राइबोसोम है वो कैसा होगा, वो 80S होगा। ठीक है, ये जो 80S है, इसको अगर आप डिवाइड करें, ये दो तरह के हैं, वो कौन कौन से, 60S और 40S। ठीक है, राइबोसोम्स, सॉरी आरएनए। ठीक है, चलो अब ये जो 60S और 40S है, इसमें क्या क्या है ये देख लेते हैं। 60S में क्या होता है, 23S, 5.S और 5S RNA होता है, साथ ही में 40 प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर बात की जाए 40S की, तो इसमें क्या होता है, 18S RNA और 30 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चल तो हमें नहीं लगता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन रह गया होगा, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चल हो गया, चलिए तो अभी तक जो है हम लोग बेसिक चीज पढ़े किसके बारे में, आरआरएनए के बारे में। अब जो है कुछ और चीजें भी जान लेते हैं कि भाई जो दूसरा टाइप है किसका, आरएनए का, जो कि है राइबोसोमल आरएनए, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक, चल
इट इज फाइंड इन राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि भाई जो आरएनए है ना, आरआरएनए, वो कहाँ पे पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और बन कहाँ पे रहा था? बन रहा था आपका न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, चल। तो ये जो न्यूक्लियोलस के अंदर आरआरएनए बनाना, वो कहाँ पे पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में जाकर के प्रेजेंट होता है। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो राइबोसोम है ना, उसी में क्या पाया जाता है? आरआरएनए पाया जाता है। देखिए इसको ऐसे समझिए, ये सेल हो गया, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया? ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस का रीजन। और यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है आपका आरआरएनए। ठीक है, यहाँ पे बन गया। और यहाँ पे बनने के बाद जो है ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है और वहां पे प्रेजेंट होता है। ये जो बचा हुआ एरिया है ना, इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं ना। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में कहाँ प्रेजेंट होता है? तो साइटोप्लाज्म में आप जानते हैं कि राइबोसोम होते हैं। ठीक है, इन्हीं राइबोसोम्स में क्या होता है? ये आरआरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो समझ में आई बात? यही है कि भाई जो आरआरएनए है वो क्या है? आरआरएनए जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वहां पे ये प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अब क्या है? इट इज कैटालिटिक कंपोज्ड ऑफ द राइबोसोम्स। ये क्या होता है? कैटालिटिक एक्शंस होते हैं। और ये क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं किस चीज के? राइबोसोम्स के। ठीक है, चल। तो आरआरएनए क्या होता है? कंपोनेंट होता है राइबोसोम का। और ये क्या होता है? कैटालिटिक नेचर का होता है। ठीक है, चल। द साइज ऑफ राइबोसोम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एस यूनिट। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं कि राइबोसोम्स के अंदर ये प्रेजेंट है, तो जो राइबोसोम की जो साइज है ना, उसको किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? उसको एस यूनिट, मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशियंट में रिप्रेजेंट करते हैं। एस क्या है? एस जो है सेडिमेंटेशन कोफिशियंट है। ठीक है, चलिए। तो जो आरआरएनए है वो किसके अंदर प्रेजेंट है? वो जो है राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर आपको राइबोसोम की साइज को बताना हो, तो राइबोसोम की जो साइज है उसकी जो यूनिट होती है उसको किस यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वो जो है एस में रिप्रेजेंट होता है, मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशियंट जो है इसकी यूनिट है। ठीक है, चलो। Based on the rate of sedimentation in an ultra centrifuge, मतलब sedimentation coefficient क्या होता है भाई? ये जो है, ये है एक sedimentation का rate। ठीक है, जब आप इसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करवाइएगा तब जो है सेडिमेंटेशन का रेट आता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और यही जो है इसका यूनिट है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, तो आप इसको नहीं लर्न करेंगे तो भी चलेगा। बस आप इतना जानते रहिएगा कि जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में कितने एस के होते हैं, मतलब कितना एस होता है? 70S राइबोसोम। और एस क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, वहां पे आप इतना लिख दीजिएगा कि एस हियर, एस मींस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन अगर लिख लेते हैं तो और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो है आपको एक्स्ट्रा बातें जो है पता चल रही है। ठीक है, चल। और यूकेरियोट्स में कैसे होते हैं? यूकेरियोट्स में ATS होता है। और इससे पहले जितने भी यूकेरियोट्स में जो ATS था वो कैसे कंपोज हुआ है, उसके अंदर कितनी यूनिट्स हैं, सब चीज जो है, मतलब ये जो है यहां से लेके यहां तक का पोर्शन, ये लर्न करना मस्ट है। ठीक है, चल। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि भाई आरआरएनए जो है राइबोसोम में पाया जाता है, और राइबोसोम की अगर साइज अगर आपको मेजर करना हो तो वो एक एस यूनिट होता है, उसमें मेजर होता है। और ये एस क्या है? एस जो है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। ठीक है, चलो। अगर बात की जाए कि ये कितने परसेंट में पाया जा रहा है, एमआरएनए जो था वो कितने में था, आप बताइए, अभी पढ़े हैं ना।
mRNA कितना था? 5 से 10% इन अ सेल, ठीक है। एक सेल में mRNA की परसेंटेज 5 से लेके 10% होता है। अगर बात की जाए RRNA की, तो ये जो है इट कंस्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ द टोटल सेलुलर RNA। एक सेल के अंदर जितने RNA प्रेजेंट है, अगर आप उसको देखें तो उसमें से जो 80% होता है ना, वो RRNA होता है। मतलब इसका परसेंटेज एक सेलुलर RNA में अगर आप देखें इसका परसेंटेज, तो वो कितना होता है? 80%, ठीक है। चलो, द फंक्शन ऑफ RRNA इज बाइंडिंग ऑफ mRNA एंड tRNA टू राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो RRNA है ना, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि भाई ये जो आपका राइबोसोम है, ठीक है, mRNA जब सिंथेसाइज हो गया इस प्रोसेस से, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से, तो इससे जो है अटैच हो जाए, क्या चीज, आपका जो राइबोसोम है वो अटैच हो जाएगा, साथ ही साथ में जो tRNA है वो भी अटैच हो जाए, ताकि क्या हो, ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो सके। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये किस चीज में हेल्पफुल है, RRNA जो है ट्रांसलेशन की प्रोसेस, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। चल, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। चल, ये जो है इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। चल, हो गया। अब लेफ्ट जो आपका नेक्स्ट टाइप है, जो तीसरा टाइप है, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो आरएनए का तीसरा मेजर टाइप है वो क्या है। वो है आपका टीआरएनए, मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर ठीक है। तो टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो आरएनए को क्या होता है, आरएनए का एक मेजर टाइप जो कि होता है टीआरएनए, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, वो क्या होता है भाई, ये जो है सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को बात कर लेते हैं, इसके नाम को बात कर लेते हैं कि भाई ये इसका क्या नाम है। तो टीआरएनए को क्या है, ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं, ठीक है। चलो, इसको जो है, इसका एक और नाम जो है वो एसआरएनए भी होता है, ठीक है। साइनोनाइन मतलब होता है एक और नाइन, ठीक है। तो इसका एक और नाम क्या है भाई, एसआरएनए, एसआरएनए मतलब सोलुबल आरएनए, ठीक है। तो टीआरएनए को क्या होता है, एसआरएनए भी कहा जाता है, और एसआरएनए मतलब क्या, सोलुबल आरएनए, ठीक है। ट्रांसफर द डिजायर्ड अमीनो एसिड टू प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, ये अगर इसकी बात की जाए कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे ए लिखा है, सबसे पहले ए का मतलब लिख लीजिए आप, ये जो टीआरएनए है ना, ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। कैसे हेल्पफुल होता है, देखिए एमआरएनए बन गया, वहां पे आता है राइबोसोम, जिसमें क्या होता है, राइबोसोम में आरआरएनए प्रेजेंट होता है, और वहीं पे क्या है, टीआरएनए भी प्रेजेंट होता है, जो कि आता है और क्या करता है, ये जो है ये अमीनो एसिड्स को लाता है, ताकि जो है प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके, ठीक है। ये प्रोसेस कैसे होता है, जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, उसमें आपके ये सब जो है प्रोसेस बताई जाएगी कि कैसे कैसे फंक्शन होता है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना जानिए कि भाई जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होता है, जिसमें जो है टीआरएनए का फंक्शन क्या होता है, अमीनो एसिड को लाना इसका फंक्शन होता है। क्यों, क्योंकि देखिए जो प्रोटीन है उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से ही मिलकर प्रोटीन बना होता है, ठीक है। तो ये जो अमीनो एसिड है ना, इसको लाने का काम कौन करता है, इसको लाने का काम टीआरएनए करता है, ठीक है। चलो, एटलीस्ट तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि ट्रांसफर द डिजायर्ड AA मतलब अमीनो एसिड, जो डिजायर्ड अमीनो एसिड होता है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को किस पे, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी पे। जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है ना,
जिसमें क्या होता है, mRNA होता है, ठीक है, उस पर क्या प्रेजेंट होता है, उस पर कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उस पर आके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक मशीनरी बना देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी बना देते हैं। तो क्या करता है ये tRNA, वहां पे आता है, इस कोडॉन को पढ़ता है, और अगर आप tRNA का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। पहला जो है वो क्या होता है, T5C आर्म होता है, दूसरा जो है ये एंटीकोडॉन आर्म होता है। तो यही जो एंटीकोडॉन आर्म होता है ना, वो जो कोडॉन प्रेजेंट होते हैं mRNA के पास, उसको पढ़ता है और इस एंटीकोडॉन के साथ इंटरैक्ट करने के बाद देखता है कि भाई कौन सा कोडॉन है, उस हिसाब से एंटीकोडॉन आता है, और ये जो है ये डिसाइड करता है, यही इंट्रैक्शन डिसाइड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा। तो इसी तरह कोडॉन, एंटीकोडॉन, ये सब जो है अमीनो एसिड को डिसाइड करते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पे जो है ट्रांसफर होगा, और ये जो ट्रांसफर tRNA है, ये अमीनो एसिड उस अकॉर्डिंग लाता है, और जिस हिसाब से अमीनो एसिड सिक्वेंस्ड होते हैं, जिस हिसाब से वो आते हैं, अरेंज होते हैं, उस हिसाब से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, अभी तक के लिए आप इतना जानिए कि भाई जो tRNA है उसके पास एंटीकोडॉन आर्म होता है, ठीक है, वो क्या करता है mRNA के पास जो कोडॉन होते हैं ना उसको रीड करता है और इसके अकॉर्डिंग क्या करता है, अमीनो एसिड को लाने का काम करता है। और ये अमीनो एसिड क्या होते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। ठीक है, चलिए वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग बात की जा रही है एंटीकोडॉन आर्म की, तो सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि tRNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो अगर बात की जाए tRNA की, तो ये क्या होता है इसका, ये होता है आपका T5C, ये होता है आपका एंटीकोडॉन आर्म, ये होता है आपका डी आर्म या डी लूप भी कहलाता है। ठीक है, और ये जो है यही है वो साइट है जहां पे अमीनो एसिड जो है ये जो है ना, ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म होता है, मतलब यहाँ पे जो है अमीनो एसिड यहाँ पे आती है, यहाँ पे इंट्रैक्ट होती है, और फर्दर जो है ये जो है tRNA उसको ट्रांसफर करने का काम करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक, ठीक, ये चीज समझ में आ गया। चल एटलीस्ट 20 tRNAs क्या होते हैं भाई, जो 20 tRNAs जो है एटलीस्ट प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो है इतने इन्वॉल्व होते हैं किसके लिए, एक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी के लिए। ठीक है, चल अगर एक बात की जाए कि ये जो tRNA है, अगर इसके न्यूक्लियोटाइड्स की बात की जाए तो 73 से 93 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है tRNA को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। ठीक है, जो tRNA का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि भाई तीसरा टाइप क्या है RNA का, वो है tRNA, जिसको ट्रांसफर RNA कहते हैं। ये जो है प्रोटीन मशीनरी जो है आपकी, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, उसमें हेल्पफुल होता है। और क्या करता है ये जो है, अगर आप बात की जाए इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को भी क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। ठीक है, चल तो हम लोग डिस्कस किसे कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं tRNA को, तो उसके जो है और फर्दर पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो तो है कि भाई ये जो tRNA है ना, इसको जो है एक और साइनोनाइन है इसका। साइनोनाइन क्या होता है, जैसे नहीं होता है कि सूर्य को हम लोग सूरज भी कहते हैं, तो जैसे एक जैसे जो शब्द होते हैं, एक ही शब्द जिनको, एक ही चीज जिनको अलग अलग शब्द से कहते हैं, उन्हीं को साइनोनाइन कहते हैं। ठीक है, अब ये साइनोनाइन का एग्जैक्ट हिंदी हमको नहीं पता है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप कहें कि tRNA का साइनोनाइन क्या है, तो साइनोनाइन है इसका sRNA, मतलब इसको एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है sRNA, और sRNA क्या है, सोल्यूबल RNA। ठीक है,
तो इट हैज ऑल्सो नोन एज, ये और भी किस नाम से जाना जाता है, ये सोल्यूबल आरएनए, मतलब एस आरएनए के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलो, इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 15% ऑफ द टोटल आरएनए ऑफ द सेल, मतलब ये कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, तो 10-15% जो है इसकी परसेंटेज है किसी भी सेलुलर आरएनए में, ठीक है। मतलब एक सेल है, उसके अंदर अगर आप उसके सारे आरएनए को परसेंटेज में देखें तो उसके अंदर कितना परसेंट ये पाया जाता है, 10-15%, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन पाया जा रहा है, सबसे ज्यादा आरआरएनए पाया जा रहा है ना, क्योंकि वो 80% है, ठीक है। चलिए, ये आरएनए कितना प्रेजेंट है, 10-15%, ठीक है। चलिए, इट इज अ क्लास ऑफ आरएनए, ये कैसा क्लास है आरएनए का, विच इज ऑफ स्मॉल साइज, जो कि क्या है, स्मॉल साइज का है। और अगर आप बात करें तो इसकी साइज कितनी है, 3S टाइप है, एंड जनरली हैव 70-90 न्यूक्लियोटाइड्स। अगर बात की जाए न्यूक्लियोटाइड्स की, तो क्या होती है, 70-90 न्यूक्लियोटाइड इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक स्मॉल टाइप का आरएनए है, ठीक है। इसमें अगर बात की जाए न्यूक्लियोटाइड की, तो 70-90 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चल, द लॉन्गेस्ट टी आर एन ए हैज 87 न्यूक्लियोटाइड, जो लॉन्गेस्ट टी आर एन ए की बात की जाए, जो कि सबसे लंबा है, तो उसके अंदर कितना न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, उसके अंदर 87 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चल, अगर बात की जाए इसके फंक्शन की, तो इसका फंक्शन क्या होता है, इट मेन फंक्शन इज टू कैरी वेरियस टाइप ऑफ अमीनो एसिड एंड अटैच देम टू एमआरएनए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो चीज अभी हम आपको समझाए थे वही चीज यहाँ पे लिखी है, कि भाई अगर इसके मेन फंक्शन की बात की जाए, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कि ये अमीनो एसिड को लाता है किसके अकॉर्डिंग, एमआरएनए के अकॉर्डिंग, और क्या करता है, फर्दर जो है उसकी अमीनो एसिड जिस हिसाब से आते हैं उस हिसाब से प्रोटीन सिंथेसिस ये कराता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि भाई अगर इसकी मेन फंक्शन की बात की जाए, तो वेरियस टाइप ऑफ जो अमीनो एसिड है ना, उनको क्या करता है, उनको लाता है और क्या होता है, अटैच करता है एमआरएनए से, और क्या करता है, जो एमआरएनए है वो किसके तरह वर्क करता है, टेम्पलेट के तरह वर्क करता है ना, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो ये जो एमआरएनए टेम्पलेट है, इसके क्या होता है, इसके लिए जो है ये अमीनो एसिड लाने का काम करता है, और क्या होता है, जब ये ला देता है, तब जो है आपस में जो अमीनो एसिड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, जिसके वजह से क्या होती है, सिंथेसिस होती है प्रोटीन की, ठीक है। तो टीआरएनए जो है क्या काम कर रहा है, अमीनो एसिड को लाने का काम कर रहा है एमआरएनए के पास, जो कि टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं एमआरएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, या फिर एमआरएनए टेम्पलेट, ठीक है। तो वहां पे वो लाया और ये अमीनो एसिड क्या करे, आपस में बॉन्ड बनाए और प्रोटीन की सिंथेसिस कराए, ठीक है। चल, इट हैज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 25,000-30,000 विद सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ 3.8s। अगर बात की जाए इसके मॉलिक्यूलर वेट की, तो जो टी आर एन ए है उसकी साइज कम है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा, ठीक है। इसका कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है, 25,000-30,000 तक। अगर आप सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग इसको देखें, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.8 जो है एस होती है, मतलब 3.8 सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए, तो क्या है, हम लोग जो है तीनों ही जो टाइप्स थे, मेजर टाइप्स आरएनए के, उनको डिस्कस कर लिए, कि भाई क्या क्या पढ़े हम लोग, हम लोग ये पढ़े कि एमआरएनए क्या होता है, एमआरएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू बना, ठीक है, और फर्दर ये जो है ट्रांसलेशन के लिए हेल्पफुल होता है, साथ ही में कैसे उसमें कैपिंग होती है, टेलिंग होती है, क्यों होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और भी बहुत सारी बात कि उसमें कितने परसेंटेज में ये प्रेजेंट है, सब चीज हम लोग पढ़े, ठीक है।
उसके बाद हम लोग पढ़े आरआरएनए, जो कि किसी भी सेल में 80% आरएनए कंस्टिट्यूट करता है, मतलब इसके परसेंटेज 80% होती है किसी भी सेलुलर आरएनए में, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी में हेल्पफुल होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो है अगर बनने की बात की जाए तो जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है वहां पे ये बनता है, और फर्दर ये कहाँ चला जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म में कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, ठीक। चल, यूक्रियोट और प्रोक्रियोट दोनों में अलग अलग राइबोसोम पाए जाते हैं। यूक्रियोट में ATS पाया जाता है और प्रोक्रियोट में 70S, ठीक है। कैसे इसकी डिवीजन है सब हम लोग पढ़ चुके हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट यूक्रियोट्स का लिखा था, उसे आप नोट डाउन करिएगा, याद करिएगा, ठीक है। चलिए, और ये कैसे फंक्शन करता है ये भी हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद तीसरा टाइप था tRNA, जिसको हम लोग सोल्यूबल RNA भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये जो है 10-15% प्रेजेंट होता है किसी भी सेल्स में, ठीक है। चलिए, और क्या होता है अगर बात की जाए इसके फंक्शन की, तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है इसमें ये भी हेल्पफुल होता है। कैसे हेल्पफुल होता है, जो आपका mRNA का जो टेम्पलेट है उसके लिए ये क्या करता है, उसके लिए जो है ये अमीनो एसिड लाता है, ठीक है। कैसे लाता था, वो एंटीकोडॉन और कोडॉन से, वो हम आपको बताए थे, ठीक है। फर्दर ये अमीनो एसिड को जब लाता है तब क्या होता है, ये अमीनो एसिड आपस में बॉन्ड बनाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफर करने का काम करता है किसको, अमीनो एसिड को, कहाँ तक, आपका mRNA तक। इसीलिए इसका नाम ट्रांसफर RNA भी पड़ा है, ठीक है। इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो किसमें एक्सप्लेन किया गया है, क्लोवर लीफ मॉडल में एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप tRNA के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखें तो वो कैसा शेप करता है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए, तो और इसकी अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो 25,000 से लेके 30,000 तक, मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आपका 3.8S होता है, किसका, tRNA का, ठीक है। चलिए, तो हमें लगता है कि आपको सारी ही चीजें tRNA की जो मेजर टाइप्स हैं वो कैसे हैं, mRNA, rRNA, tRNA, उनका क्या फंक्शन है वो समझ में आ गया होगा, टाइप्स ऑफ RNA अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है RNA के जो माइनर टाइप्स होते हैं, जैसे HNRNA, miRNA, ये सब जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और वो जो है इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। चलिए, तो एक इम्पॉर्टेंट बात कि भाई अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई और आप चाहते हैं कि आपके सिलेबस के जितने टॉपिक हैं वो आप अच्छे से पढ़ सकें, आपको वो मिले, तो क्या है, आप DNS Educare ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, अभी इस समय ऑफर चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो हमें लगता है कि आपको आज का लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक चीज को जो है हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।